हेलो दोस्त, सीजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसका लास्ट टॉपिक एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। आइए एल्युमिनियम के बारे में देखा जाए। एल्युमिनियम एल्युमिनियम, पहले एल्युमिनियम का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय। परिचय का मतलब इसका संकेत क्या होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, किस ब्लॉक में रखा गया है, केमा वर्ग में रखा गया है, केमा आवर्त में रखा गया। आइए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं, माने परिचय। सिंबल, सिंबल मीन्स होता संकेत। एल्युमिनियम का संकेत हुआ, एल्युमिनियम का संकेत एल। चलिए दूसरा, एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर पर लिखो। एटॉमिक नंबर का हिंदी हुआ परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो बोलो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। चलिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, तो बोलो बाबू एल्युमिनियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 13 होता है। 13। उसके बाद आइए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हिंदी बोलो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, बोलो बाबू एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता 27। याद करो एल्युमिनियम का संकेत एल, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 13, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 27 होता है। कोई दिक्कत है आगे बाबू। चौथा वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता संयोजकता। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है। आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिंदी हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, सबसे पहले होगा 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, जोड़ लीजिए
दुआ दू चार चार छः दस दस दो बारह बारह एक तेरह याद कर लेना। अगर आपको पूछे कि एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक कितना होता, 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु भार कितना होता, तो 27 होता है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है, याद रखिएगा इसमें। बताओ एल्युमिनियम का संकेत एल, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 13, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 27, संयोजकता 3, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3b। कोई दिक्कत है मेरे भाई? फिर याद कर जाए, एल का मतलब एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 13 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार 27 होता है, संयोजकता 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर एग्जाम में आ जाए कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आइए अब आगे बढ़ते दोस्त। चलिए अब सारणी में स्थान, मतलब एल्युमिनियम का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, इसका मतलब हुआ, एक बार सुना जाए, एल्युमिनियम का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, इसका मतलब हुआ कि एल्युमिनियम को किस ब्लॉक में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है। अगर आपको कोई पूछ दे कि एल्युमिनियम का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, क्या स्थान का मतलब होता है कि उसको किस ब्लॉक में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया है और किस वर्ग में रखा गया है। आइए ये तीन चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्त। चलिए एल्युमिनियम का संकेत एल, परमाणु संख्या देखिए बाबू। अब चलिए हम आपको बताए होंगे कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है तो वह तत्व एस ब्लॉक का होता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है तो वह पी ब्लॉक का तत्व होता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो वह डी ब्लॉक का तत्व होता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है तो वह एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। यानी तो अब आइए देखिए कि एल्युमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस सबसेल में जाता है, तो ये जानकारी जानने के लिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। चलिए सबसे पहले 1s2 2s2 2s के बाद 2p6 2p के बाद 3s2 3s के बाद 3p, 2 4 4 6 10 10 2 12 12 1 13, यानी 13वां इलेक्ट्रॉन हम किसमें डाले हैं, पी में डाले हैं। यानी एल्युमिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सबसेल में जा रहा है, पी सबसेल में जा रहा है, यानी एल्युमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है। कोई बोलेगा कि एल्युमिनियम को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो पी ब्लॉक में रखा गया है। आइए एल्युमिनियम का ब्लॉक, चलिए कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक, एल्युमिनियम को पी ब्लॉक में रखा गया है। अब जानना है इसको किस ग्रुप में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है। आइए ग्रुप जानते हैं, ग्रुप को हिंदी में कहते हैं वर्ग। आइए तो ग्रुप की पहचान वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है, है ना बाबू, ग्रुप की पहचान वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है। एक वाला, दो वाला, तीन वाला, तीसरा ऑर्बिट के बाद कोई ऑर्बिट नहीं है तो तीसरा ऑर्बिट दीजिए लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दो आए तीन, यानी लास्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर को दर्शाता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन तो ग्रुप नंबर भी वन, तो यह वैलेंस कितना है, तीन, यानी ग्रुप यानी वर्ग होगा तीन, रोमन अंक में लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब सवाल उठता है इसको कौन सी सब ग्रुप में, कौन सी उपवर्ग में, ए में रखा गया है कि बी में रखा गया है, इसकी जानकारी, इसका कंसेप्ट हम आपको बताएं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस और पी का हो तो वहां पर सब ग्रुप ए होगा,
अगर एस और डी का हो तो सब ग्रुप बी होगा। तो वैलेंस जो तीन है ये तीन कौन कौन सब सेल का है, एस और पी का है, तो यहां सब ग्रुप ए होगा। यानी एल्युमिनियम को थर्ड ए। अब आइए जब इसको पीटी में आप गिनिएगा इस तरह से, जहां पर थर्ड ए ऐसे शुरू से गिनिएगा एक दो तीन, तक थर्ड जो आवेगा तेरहवा आएगा, यानी थर्ड ए ना कह करके तेरहवा वर्ग भी कह सकते हैं पीटी में। और सारणी में देखिएगा थर्ड ए कहां पर है, वहां पर हाथ रख देंगे, यहां से गिनेंगे शुरू से कहता है एक दो तीन चार, यहां आते आते तेरहवा हो गया, यानी थर्ड ए को ही तेरहवा वर्ग कहते हैं। चलिए या तेरहवा वर्ग, कोई दिक्कत है बता बाबू? एल्युमिनियम को किस ग्रुप में रखा गया है, एल्युमिनियम को किस ब्लॉक में रखा गया है, तो पी ब्लॉक में रखा गया है। एल्युमिनियम को किस वर्ग में, तो तेरहवा वर्ग यानी थर्ड ए वर्ग। अब आइए पीरियड, मतलब आवर्त। आवर्त की पहचान ऑर्बिट संख्या के आधार पर किया जाता है। अगर ऑर्बिट चार तो आवर्त भी चार, अगर ऑर्बिट पांच तो आवर्त भी पांच। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, यानी एल्युमिनियम में तीन गो ऑर्बिट है, यानी तीन ऑर्बिट का मतलब पता बाबू? ऑर्बिट की पहचान, आवर्त की पहचान ऑर्बिट नंबर के आधार पर किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम में तीन ऑर्बिट है, यानी आवर्त भी तीन होगा, यानी तीसरा आवर्त होगा, तीसरा आवर्त, थर्ड पीरियड, थर्ड जिसको कहिए तीसरा। आप बढ़िया से हमको बताओ मेरे बढ़िया से, एल्युमिनियम को कौन सी ब्लॉक में रखा गया है, तो पी ब्लॉक में रखा गया है। एल्युमिनियम को किस वर्ग में रखा गया, तो तेरहवा वर्ग यानी थर्ड ए। एल्युमिनियम को किस आवर्त में रखा गया है, तो तीसरा आवर्त में रखा गया है। अगर एग्जाम में आ जाए बताओ एल्युमिनियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है, तो तेरहवा वर्ग यानी थर्ड ए वर्ग का तत्व है। एल्युमिनियम को कौन सी आवर्त में रखा गया है, तो तीसरा आवर्त में रखा गया है। अगर एग्जाम में आ जाए कि एल्युमिनियम का आवर्त सारणी में क्या स्थान है, उन्हें लिखें, एल्युमिनियम का आवर्त सारणी में क्या स्थान है उसका वर्णन करें, तो आंसर लिखना है कि एल्युमिनियम को तेरहवा वर्ग और तीसरा आवर्त में रखा गया है, जो पी ब्लॉक में आता है। एल्युमिनियम को आवर्त सारणी के तेरहवा वर्ग और तीसरा आवर्त में रखा गया है, जो पी ब्लॉक में आता है। ऐसा कब लिखेंगे, जब क्वेश्चन पूछे एल्युमिनियम का आवर्त सारणी में क्या स्थान है। चलिए क्वेश्चन देखो बाबू, चलिए एल्युमिनियम का आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में क्या स्थान, क्या स्थान है वर्णन करें। अब आइए आंसर,
नियम को एल्युमिनियम को आवर्त सारणी एल्युमिनियम को आवर्त सारणी में इग्रामा वर्ग और तीसरा आवर्त में रखा गया है जो पी ब्लॉक में पड़ता है। देख लीजिए, चलिए एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क, चलिए प्रमुख अयस्क में सब सारा चीज हम आपको पहले बता चुके हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क में आ गया बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2। चलिए एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क में पहला गया बॉक्साइट, जिसका सूत्र होगा Al2O3 2H2O। आइए दूसरा अयस्क डायस्पोर। डायस्पोर का सूत्र हो गया Al2O3 H2O। सुन बाबू, Al2O3 2H2 रहे तो बॉक्साइट, Al2O3 H2 रहे, Al2O3 2H2 रहे तो बॉक्साइट, Al2O3 H2 रहे तो डायस्पोर। पता बॉक्साइट किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का है, डायस्पोर किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का है। अब आइए अब आगे देखिए कोरंडम। कोरंडम या रूबी का सूत्र होगा Al2O3। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्रायोलाइट का सूत्र होगा Na3AlF6। पांचवा फिटकीरी, इसी को अंग्रेजी में कहते पोटास एलम। सूत्र बोलो Al2SO4 के हॉल 3 24 H2O। चला जाए बढ़िया से। अगर एग्जाम में आ जाए कि एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क का पहला बॉक्साइट, जिसका सूत्र होगा Al2O3 2H2, दूसरा डायास्पोर जिसका सूत्र होगा Al2O3 H2O, दूसरा तीसरा कोरंडम का हो या रूबी का हो जिसका सूत्र होगा Al2O3, चौथा है क्रायोलाइट जिसका सूत्र होगा Na3AlF6, और पांचवा फिटकीरी या पोटास एलम।
सूत्र होगा K2SO4 L2SO4 के होल 3 24 H2O। तो बॉक्साइट किसका एस्ट है? एल्युमिनियम का है। कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम का है। क्रायोलाइट किसका है? एल्युमिनियम का है। पोटासियम किसका है? एल्युमिनियम का है। अगर एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि एल्युमिनियम धातु के कोई 2 अयस्क का नाम रासायनिक सूत्र के साथ लिखे, तो 5 गो में कोई 2 गो लिख देना है। अगर यही ऑब्जेक्टिव पूछे कि एल्युमिनियम धातु के मुख अयस्क, तो मुख अयस्क में आता है बॉक्साइट। एल्युमिनियम धातु के मुख अयस्क का नाम बोलो तो बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। सुना जाए पहला ऑब्जेक्टिव, एल्युमिनियम धातु के मुख अयस्क होता है तो आंसर बॉक्साइट। दूसरा, बॉक्साइट का सूत्र होता है तो Al2O3 2H2O, कोई दिक्कत? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। अब आइए सांद्रण। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है निक्षालन विधि या लीचिंग विधि, याद रखना है। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है तो निक्षालन विधि से, निक्षालन विधि से सांद्रण किया जाता है तो बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का सूत्र बोलो तो Al2O3 2H2O, कोई दिक्कत है? इसको देख लीजिए बढ़िया। एल्युमिनियम धातु का उपयोग, पहला उपयोग बिजली तार बनाने में है ना। पहला उपयोग लिखेंगे तार बनाने में या बिजली तार बनाने में, की बात है बिजली तार बनाने में। दूसरा, बर्तन के निर्माण में। तीसरा, पेंट बनाने में। एल्युमिनियम धातु का उपयोग बिजली तार बनाने में या इलेक्ट्रिक तार बनाने में। दूसरा, इसका बर्तन बनाने में भी किया जाता है। तीसरा, पेंट बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मिठाई और सिगरेट बनाने में भी किया जाता है। सबसे बड़े पहले बताओ, बर्तन का उपयोग, पहला उपयोग बिजली तार बनाने में, दूसरा सिगरेट मिठाई और पेंट बनाने में, तीसरा अनेक प्रकार के मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। चलिए आइए इसका उपयोग लिखते हैं बाबू, बिजली तार बनाने में, बिजली तार बनाने में अब आइए बर्तन, सिगरेट मिठाई इत्यादि सामान बनाने में, चलिए अगला, बिजली तार बनाने में, बर्तन सिगरेट मिठाई इत्यादि सामान बनाने में। अब आइए उसके बाद अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु बनाने में हो गया, कोई दिक्कत? चलिए चलिए एल्युमिनियम धातु का, एल्युमिनियम का मिश्र धातु, एल्युमिनियम का मिश्र धातु,
एल्युमिनियम का मिश्र धातु में पहला आ गया, इस हम पहले सब लिखा चुके हैं, मैग्नीलियम पहला हो गया, मैग्नीलियम दूसरा हो गया, ड्यूरेलियम तीसरा हो गया, एल्युमिनियम ब्रांज एल्युमिनियम ब्रांज चलिए सब एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन कौन है, पहला मैग्नीलियम, दूसरा ड्यूरेलियम, तीसरा एल्युमिनियम ब्रांज। अगर एग्जाम में आ जाए एल्युमिनियम धातु के कोई दो मिश्र धातु का नाम लिखे, एल्युमिनियम के कोई दो मिश्र धातु का नाम लिखे, तो इसमें से लिख सकते पहला है मैग्नीलियम, दूसरा है ड्यूरेलियम, तीसरा एल्युमिनियम ब्रांज। अगर पूछ दे कि ड्यूरेलियम किसका मिश्र धातु है, ड्यूरेलियम किसका मिश्र धातु है तो एल्युमिनियम का है, मैग्नीलियम किसका है तो एल्युमिनियम का है, याद करो ड्यूरेलियम किस तत्व का मिश्र धातु है तो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम के मिश्र धातु का नाम बताओ तो ड्यूरेलियम बता सकते हैं, मैग्नीलियम बता सकते हैं, एल्युमिनियम ब्रांज बता सकते हैं। तो अगर एग्जाम में दो नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि एल्युमिनियम तत्व के कोई दो इस धातु का नाम बताए, तीन में से आप कोई दो बता सकते हैं, ड्यूरेलियम किसका है तो एल्युमिनियम का है, मैग्नीलियम किसका है तो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम ब्रांज किसका है तो एल्युमिनियम का है। ये था इसका इंट्रोडक्शन परिचय। कल हम बताएंगे बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, ये बताने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।